स्वाध्याय सीरीज में आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करेंगे वो फ्रांस के एक पत्रकार मिशेल देसमार्के की एक दूसरे उन्नत ग्रह की यात्रा के विषय में है। इस पुस्तक का नाम है यहोवा प्रोफेसी। मिशेल देसमार्के का ये कहना है कि वर्ष 1987 में वो अपनी पत्नी के साथ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में बेडरूम में सो रहे थे। अचानक आधी रात को उन्हें ऐसा लगा कि किसी अज्ञात शक्ति ने उनको जगाया। वो उठे, अपने ड्राइंग रूम में गए जहाँ पर उन्होंने चेस खेली थी और अपनी पत्नी के नाम पर एक उन्होंने पर्चा लिखा जिसमें लिखा कि मैं करीब 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वो जैसे एक हिप्नोटाइज्ड, एक कठपुतली की तरह से अपने घर से बाहर आए तो उन्होंने देखा बहुत ही खूबसूरत नीले रंग का प्रकाश हर तरफ है, जो फूल हैं वो जैसे काँप रहे हैं, ज़मीन हिल रही है, सब कुछ उनको हिलता हुआ नज़र आया और उन्हें लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। अचानक किसी अज्ञात शक्ति ने उनको ज़मीन से ऊपर खींच लिया और उन्होंने देखा कि एक लगभग 3 फीट की महिला एक ट्रांसपेरेंट सा नकाब पहने उनके सामने खड़ी हुई है और उनको नाम लेकर के पुकार रही है। तो वो पूछने लगे कि आप कौन हैं, तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं तुमको अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। मिशेल को बड़ी हैरानी हुई कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। उन्होंने पिंच करके देखा, बोली नहीं सपना नहीं है, ये सच्चाई है और हम आपको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। और मिशेल उस महिला के प्रभाव में ज़मीन से ऊपर उठते चले गए और उनको घर जैसे बिल्कुल पिघलता हुआ और लुप्त होता हुआ दिखा। और उस महिला ने उनको बताया कि अब हम पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं, मैंने एयरलॉक लगा दिया है जिससे कि आपके यूनिवर्स के लोग हमको नहीं देख सकते। और अगले ही क्षण उन दोनों ने पाया कि वो एक रॉक पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर करीब प्री हिस्टोरिक टाइम के अजीब अजीब से मनुष्य, जो किताबों में जिनके बारे में पढ़ा था, वो आसपास घूम रहे हैं। तब उन्होंने उस महिला से पूछा जिसने अपना नाम ताओ बताया, तो वो कहती है कि अब हम पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं। पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा होता है कि जो आपका यूनिवर्स है और जो हमारा ये पैरेलल यूनिवर्स है, ये दोनों अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके बीच में एक ताना बाना सा बुन जाता है। और जब भी ये ताना बाना सा बुन जाता है तो उस ताने बाने में कोई भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ जब आ जाता है तो वो पैरेलल यूनिवर्स में सक कर लिया जाता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया था कि जैसे पृथ्वी पर बरमूडा ट्रायंगल है, वहाँ पर स्पेस शटल गायब हो जाते हैं, पर्संस गायब हो जाते हैं। और अमेरिका में एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ लोग गायब हो गए, तो जब लोग उनको खोजते हुए गए तो पता चला कि उस मनुष्य के पैरों के निशान बर्फ़ पर एक जगह आकर के समाप्त हो जाते हैं। मिशेल को वो बात अच्छी तरह से याद थी, उन्होंने कहा हाँ मुझे अच्छे से याद है। तो उनका यही कहना था कि वो व्यक्ति उस समय एक नेचुरल एक्सीडेंट के तहत पैरेलल यूनिवर्स में सक हो गया था और जिन आकृतियों को, मनुष्यों को हम लोग आसपास देख रहे हैं वो यहाँ पर हज़ारों हज़ारों साल तक रहती हैं और वहाँ पर ना भूख लगती है उनको, ना प्यास लगती है। लेकिन कभी कभी वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और उनकी दुर्घटना से या आत्महत्या से भी वो अपना जीवन का अंत कर लेते हैं। तो एक स्थिति में ऐसा भी लगा कि वो भयानक से प्राणी हैं, इनकी तरफ आक्रमण करने आ रहे हैं, तो ताओ ज्योति है वो बिल्कुल स्तंभित हो जाती है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन लोगों को वहीं समाप्त कर देती है। मिशेल को ये सब बहुत अजीब सा लगता है। उसके बाद ताओ कहती है कि चलो हम आगे चलते हैं जहाँ हमें चलना है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्फेयर होता है जिसमें नीली लाइट होती है, कोई खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं हैं, और बिल्कुल मैजिकल फोर्स के साथ ताओ और मिशेल उस एयरक्राफ्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जिसका नाम था अल्तोरा। उसमें ये लोग इस तरह से चलते हैं, दीवारों के थ्रू ये लोग आगे निकल जाते हैं। अंदर जा कर के मिशेल देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे एस्ट्रोनॉट हैं और टीवी है और इस तरह का एक पैनल बना है, कंट्रोल पैनल, जिस पर अजीब अजीब सी तस्वीरें आ रही हैं, बहुत खूबसूरत तरह के प्रकाश आ रहे हैं। तो एक अजीब से प्रकाश में उनको नहलाया जाता है। तो मिशेल पूछते हैं कि ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपके शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और हम आपको इस तरह से डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। फिर वहाँ पर कॉफिन के शेप के कुछ बॉक्स टाइप के होते हैं जिसमें उनसे कहा जाता है कि आप यहाँ लेट जाइए। और उसके बाद मिशेल का सूक्ष्म शरीर उस बॉक्स में से बाहर आ जाता है और वो उस विमान के अंदर, जो बहुत ही बड़ा है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो ताओ के साथ पूरा भ्रमण करते हैं, देखते हैं, उनको हर चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है। और कंट्रोल पैनल पर वो देखते हैं कि जहाँ एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं उनके पैनल पर अजीब अजीब सी आकृतियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अब ये स्पेस शटल जो बढ़ रहा है तो ताओ से मिशेल के बीच में बातचीत चलती है, ताओ उनको बहुत सारी बातें बताती हैं कि जिस स्पेस शटल में वो हम लोग जा रहे हैं वो सोलर जो स्पीड है, सूर्य की किरणों की जो गति है, उससे भी कहीं तेज़ी से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट है और हम लोग इंटरगैलेक्टिक बेस के संग संपर्क बनाए रखते हैं।
और हम लोग एक उन्नत ग्रह से आए हैं और एक मिशन के तहत आए हैं और आपको हमने चुना है अपने मिशन का हिस्सा बनाने के लिए। तो मिशेल को ये सारी बातें बहुत ही फैसिनेटिंग लगती हैं। मिशेल को ये बात समझ में आ जाती है, ये लोग जो जूनियर प्लेनेट है वहाँ पर जा कर के वहाँ के पानी के, हवा के और मिट्टी के नमूने इकट्ठे करते हैं, जिससे कि वो स्टडी कर सकें कि उस प्लेनेट पे रेडिएशन की क्या स्थिति है और उस प्लेनेट का फ्यूचर क्या है। क्योंकि इस ग्रह के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जूनियर ग्रह के लोगों को टाइम टू टाइम आकाशवाणी से या सपनों से या फिज़िकली जा कर के उनको गाइड करें कि वो लोग अच्छे से ज़िंदगी जिएं, भौतिकतावाद में ज़्यादा लुप्त ना हो जाएं। जैसे कि ताओ बार बार कहती है कि तुम्हारे ग्रह की प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे यहाँ लोग पैसे को ही सब कुछ समझने लगे हैं और लोग अध्यात्म को भूल चुके हैं। और जब वो लैंड कर जाते हैं तो उसके बाद ताओ बता देते हैं कि आपको एक मास्क, वोकी नाम का एक मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि आपका पृथ्वी पर जो 70 किलो वजन था वो यहाँ पर केवल 47 किलो रह जाएगा, क्योंकि यहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट हैं। तो और आपको बैलेंसिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर। ताओ उनके साथ बराबर रहते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करना है, मैं तुम्हें जैसे बताऊँ आपको वैसा ही करना है। और सबसे अच्छी बात है कि मिशेल फ्रेंच बोलते हैं और ताओ भी फ्रेंच बोलती हैं। ये देख कर के उनको बड़ी हैरानी होती है। उसके बाद जब वो उस आइलैंड पर उतर जाते हैं तो एक फ्लाइंग प्लेटफॉर्म आता है, उस पर ये लोग बैठ जाते हैं और ताओ इनको और अपने सारे मित्रों से मिलवाते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से उनसे बिहेव करते हैं। उसके बाद फ्लाइंग प्लेटफॉर्म के साथ ये लोग बैठ करके, इसको उन्होंने लतीवो कहा है, ये लोग हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। मिशेल देखते हैं कि वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हवा में उड़ते हैं। लोगों के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स को जितना चाहे कैंसिल करके ज़मीन से उठ करके हवा में फ्लोट करते हुए समुद्र के ऊपर से, घाटियों के ऊपर से बड़े आराम से उड़ान भर सकते हैं। वहाँ के दृश्य देखते हुए मिशेल को बराबर बहुत सारी जिज्ञासा होती है, क्योंकि वहाँ के जंगल से जब वो गुजरते हैं तो वह बहुत ही खूबसूरत 200 से 300 मीटर ऊंचे-ऊंचे पेड़ हैं। और ताओ उनको बताते हैं कि ये इन पेड़ों की उम्र कम से कम 80,000 साल तक है और यहाँ पर बहुत ही उन्नत लोग रहते हैं जो पृथ्वी से भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों में 9 गुना ज़्यादा विकसित लोग हैं। वहाँ की जो तितलियाँ हैं बहुत सुंदर हैं। अगले दिन फिर ताओ आती हैं और उनको एक दूसरे प्लेनेट पर लेकर के जाती हैं, वैसे ही हवा में उड़ाते हुए। और वहाँ पर देखती हैं बहुत ही भव्य सी बिल्डिंग है और ये लोग जैसे दीवार में से गुजर करके निकल जाते हैं और अंदर एक अर्धचंद्राकार सेमी सर्कल फॉर्म में 7 बिल्कुल महात्मा लोग, मास्टर बैठे हुए हैं जिनके बहुत ही गोल्डन ऑरा होते हैं। और मिशेल जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो मिशेल के पास हवा से उड़ते हुए लेविटेट करके आते हैं और मिशेल के सिर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद देते हैं, उनका नाम दे करके पुकारते हैं कि हमने आपको एक अभियान के तहत चुने हैं, क्योंकि एक सीनियर प्लेनेट होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों का वो ध्यान रखें, आप लोगों का मार्गदर्शन करें। और हम हमेशा से ये करते आए हैं और हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो किसी से डरे नहीं, जिसमें कोई लालच ना हो, इसलिए हमने आपको इस खास उद्देश्य के लिए चुना है। साथ ही हमने आपको इसलिए भी चुना है क्योंकि आपके जो पिछले जन्म हुए हैं उनमें से 81 जन्म आप मनुष्य के रूप में जगह जगह पर ले सके हैं। तो जिस सूक्ष्म शरीर को मनुष्य के रूप में 80 से ज़्यादा जन्म लेने का अनुभव है, उस जीवात्मा की इतनी प्रगति हो गई होती है कि हम उसको आगे की बातें समझा सकें और वो आगे लोगों तक इस अध्यात्म विज्ञान को पहुंचा सकें। तो मिशेल को इसलिए चुना गया था कि वो किताबें लिखें एक या उससे ज़्यादा और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ये बताएं कि वो जिस भ्रम में जी रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है या पद पाना है, वो एक गलती कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी 80 बार कई सिविलाइजेशन पृथ्वी पर रहे हैं जिन्होंने बहुत भौतिक प्रगति की लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं की। मित्रों, इस पुस्तक की सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग जिन चीज़ों को फिक्शन समझते हैं या सपना समझते हैं उसके पीछे वास्तव में जो विज्ञान है वो पूरी तरह से खोल करके समझाया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि पृथ्वी पर कितने कितने राजा हुए, राजा थोट हुए और भी हुए, बुद्ध हुए, जितने भी हुए उन सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, कब क्या हुआ, सारा डाटा जैसे मेंटेन होता है वो यहोवा ग्रह के लोगों के पास मौजूद है और वो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही हम लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ताओ उनको बताते हैं कि हम लोग मेटामॉर्फोसिस करना जानते हैं। वो अपने शरीर को 11 फीट का बड़ा करके भी दिखा देते हैं, मतलब जिन सिद्धियों की बात हम सोचते हैं कि हनुमान जी ने शरीर छोटा किया, बड़ा किया, वो सारी चीज़ें मिशेल के सामने ताओ ने करके दिखाई और उसका पूरा वैज्ञानिक आधार भी बताया कि हम किस तरह से ये सारे काम कर पाते हैं और कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करके ये सारी चीज़ें कर सकता है।
और मिशेल को वाकई, हम लोगों को भी जो भी किताब पढ़ता है तो बड़ी हैरानी होती है कि हम जिन तारों को देखते हैं, पता नहीं वहाँ पर कितने कितने उन्नत सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और हम मेडिटेशन के माध्यम से फ्रिक्वेंसीज अट्यूनमेंट करके किसी के साथ भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद मिशेल को बड़े प्यार के साथ, सम्मान के साथ, इस मार्गदर्शन के साथ कि आप किताब लिखेंगे और लोगों को बताएंगे, वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। तो मित्रों, इस किताब को आप ऑडियो के रूप में भी YouTube पर सुन सकते हैं।